स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बिस्किट रैपर। बिस्किट रैपर को हम डिजाइन करेंगे, कुछ काम हम फोटोशॉप में करेंगे तो कुछ काम हम इलस्ट्रेटर में करेंगे, दोनों का यूज करेंगे ताकि हमारा डिजाइन एक परफेक्ट प्रिंटिंग के लिए डिजाइन बने। वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर को ओपन किया हुआ है और इलस्ट्रेटर में एक हमने लेआउट बनाया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने देखा था इस लेआउट को, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बिस्किट पैकेजिंग लेआउट के नाम से होगा, उस लेआउट को ही हम आज यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले मैं आपको समझा दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उस लेआउट में हमने देखा था क्रॉप मार्क, ये आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ क्रॉप मार्क है, यहाँ पे ब्लीड आप देख पा रहे हो, एक्चुअल साइज, इनर मार्जिन, ये इनर मार्जिन या पार्टीशन आप कह लीजिए, ये तीन हिस्सों में हमने इसको पार्टीशन किया है। ठीक है, ये फ्रंट हो गया और ये हो गया जी बैक साइड। जो भी हम टेक्स्ट, लोगो, आइकन, ये इंपॉर्टेंट चीजों को हम यूज करते हैं वो इस इनर मार्जिन के अंदर ही लगाया जाता है। पर याद रखिए इसमें इनर मार्जिन तीन साइड से होता है, ये अंदर की तरफ से इनर मार्जिन नहीं होता है। ठीक है जी, जो बैकग्राउंड आएगा वो हमारा यहाँ तक आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इलस्ट्रेटर पे काम कर ही रहे हैं तो फोटोशॉप पे क्यों कर रहे हैं, और फोटोशॉप पे कर रहे हैं तो इलस्ट्रेटर पे क्यों आ रहे हैं वापस। देखिए, कुछ काम हम इलस्ट्रेटर पे हम कर सकते हैं तो कुछ काम हम फोटोशॉप पे कर सकते हैं। जो काम हम इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं वो फोटोशॉप पे नहीं कर सकते, जो फोटोशॉप पे कर सकते हैं वो इलस्ट्रेटर पे नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, खासकर ऐसी चीजें जैसे कि फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट के लिए आपको इलस्ट्रेटर में अपने डिजाइन को वापस लेके आना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फोटोशॉप में ही डिजाइन कर दिया और वहीं से प्रिंट के लिए भेज दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, तो उसके लिए आपको वापस लेके आना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करेंगे डिजाइन, इन सारी चीजों को बताऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा फोटोशॉप में जाइए, जो हमने साइज लिया है यहाँ पे आर्टबोर्ड का वही साइज वहां पे लेकर इसी तरह का एक लेआउट बनाकर डिजाइन करके वापस इलस्ट्रेटर में लेके आ सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम इलस्ट्रेटर में एक इस तरह का एक पैकेजिंग डिजाइन का लेआउट बनाकर इसी लेआउट को थोड़ा सा चेंज करके, चेंज करने की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि फोटोशॉप में सारी चीजें नहीं हो सकती है, तो कुछ फोटोशॉप के लायक हमें चेंज करना पड़ेगा इस लेआउट में, और फिर उसको हम लेके जाएंगे फोटोशॉप में, डिजाइन करेंगे फिर वापस लेके आएंगे, और फिर बाद में जो भी हमें फाइनल आउटपुट अप्लाई करना है। टाइपोग्राफी भी अगर करनी है, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइपोग्राफी के लिए कहूंगा कि आप इलस्ट्रेटर का यूज कीजिए, ज्यादा आपको फ्रीडम मिलेगा। फोटोशॉप में भी कर सकते हो पर मैं कहूंगा इलस्ट्रेटर में कीजिए। तो मेन जो डिजाइन है हम फोटोशॉप में बनाकर इलस्ट्रेटर में लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फोटोशॉप के लायक इस लेआउट को बनाने के लिए मैं लेयर में जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जी हमारा ये क्रॉप मार्क वगैरह है, इसको हाइट जरूर कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे है जी हमारा क्रॉप मार्क, इसको मैंने हाइट कर दिया। अब मैं यहाँ से जी यहाँ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और एक रेक्टेंगल को इस इनर मार्जिन से लीड तक ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी, इस तरह से ऐसे कर, ठीक है। इसका कलर मैं रेड फिल में ही ले रहा हूं, रेड कर देते हैं, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब इसी का ही एक डुप्लीकेट और करके मैं यहां पे बॉटम राइट साइड में लगा दूंगा, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो पर पूरी जानकारी के साथ मैं आपको दूंगा।
दूसरा चीज कि ये जो पार्टीशन हमने बना रखा है, ठीक है, इसमें भी एक रेक्टेंगल हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये करूँगा जी, सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को यहाँ से, याद रखिए कि इस ब्लीड से एक रेक्टेंगल को आपने ड्रॉ करना है ऐसे करके, यू करके, ठीक है जी। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसके नीचे एक बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड लगाए। देखिए यहाँ पे एक पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो, नहीं देखा है तो देख लेना जरूर, उस वीडियो में हमने इस बैकग्राउंड को लगाया था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगाना जरूरी है, मैंने व्हाइट कलर का लगाया है, आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड लगा सकते हो। अब ये वाला जो है रेक्टेंगल, एक काम करते हैं, इसका कलर मैं दूसरा कोई कर देता हूँ, नहीं तो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके अरेंज बैक में लेके आ रहा हूँ और एक स्टेप मैं ऊपर लेके आऊंगा। अब मैं इस ग्रीन वाले का डुप्लीकेट करूंगा, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और नीचे लेके आएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो एक रेक्टेंगल और, पर मैं नहीं लगा रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है, बस इतना हम लेके जाएंगे। अब ये सब हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए फोटोशॉप में आपको ये वाला लेआउट नहीं दिखेगा, ये जो हमने गाइडलाइन वगैरह लगाया ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, तो वहां पे जाके फोटोशॉप के लायक एक लेआउट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अब क्या करेंगे, अब इसको हम सेव करेंगे ताकि हम फोटोशॉप में ओपन कर सके। उसके लिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज में देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा PSD यानी कि फोटोशॉप, ठीक है। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड इसको जरूर चेक कर लीजिए, जो भी नेम देना हो दे दीजिए और जहाँ पे भी सेव करना हो कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं यहाँ पे कहीं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं कर देंगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, रेजोल्यूशन इस पे 300 PPI जरूर रखिए, बस इस पे ध्यान रखिए। RGB है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसी फाइल को वापस इलुस्ट्रेटर में लेके आओगे और इलुस्ट्रेटर के CMYK वाले फाइल में ही आप इसको रखोगे। तो CMYK के अंदर हम जो भी फाइल रखते हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप सेव करने पे CMYK ही हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट लेयर पे इसको सेलेक्ट जरूर के लिए, ठीक है जी। बाकी और कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ओके कर दीजिए और ये हो गया जी सेव हमारा, ठीक है। अब चाहो तो ये जो हमने लगाया है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से लेयर से इसको डिलीट कर दूं और ये जो रेड कलर का है इसको भी डिलीट कर देता हूं, अब यहाँ की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी फोटोशॉप में। तो यहाँ पे मैंने एक फोटोशॉप को भी ओपन कर लिया है, उस फाइल को ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन में क्लिक करेंगे और जहां पे भी हमने सेव किया है, कहाँ किया था, यहाँ पे किया था जी, ठीक है जी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये हो गया जी ओपन हमारा, ठीक है। अब करना क्या है जी, सबसे पहले तो एक ग्रुप का लेयर क्रिएट करेंगे और इसका नेम देंगे लेआउट, ठीक है, कुछ भी नेम दे सकते हो आप। यहाँ रूलर से गाइडलाइन लेके आएंगे, तो पहले गाइडलाइन को एक तो यहाँ लगाएंगे इस रेड वाले बॉक्स के दोनों तरफ, यानी कि एक हॉरिजेंटल में एक वर्टिकल में लगा दीजिए, एक ग्रीन के इस साइड एजेस में लगाने हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे लगा दिया मैंने। और यहाँ पे आ जाते हैं कुछ इस तरह से और कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब नीचे वाला जो लेयर है इसको उठाकर इस ग्रुप के अंदर रख देंगे, ठीक है जी। अब चाहो तो उसको हाइड कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो, मैं हाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सॉयलेट कलर ले रहा हूँ डिजाइन के लिए और मैं इस तरह का पर्पल कलर को ले रहा हूँ इस तरह से,
ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद एक काम ये करेंगे, एक और मैं यहाँ पे ग्रुप लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नेम दे रहे हैं डिजाइन, और ये जो बीजी है इसका नेम भी दे देते हैं। नेम देंगे चलिए, वरना कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारे लेयर क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हो गया जी हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। थोड़ा सा मज़ेदार सा हम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन सिंपल सा होगा। एक इमेज भी मैं यूज़ करूँगा, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ वो इमेज। कुछ टेक्स्ट और कंटेंट भी हम यूज करेंगे जो कि हमारा क्लाइंट हमें देगा, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूं क्या क्या चीजें मैं यूज करूंगा। ये इलस्ट्रेटर में मैंने कुछ टाइप वगैरह करके रखा हुआ है। ये इस तरह से आपको टाइप किया हुआ नहीं मिलेगा, आपका क्लाइंट सिंपल आपको किसी नोट पैड वगैरह में दे देगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट टेक्स्ट की क्वांटिटी आपको ज्यादा भर के टेक्स्ट दे देता है, स्पेस आपके पास कम है, टेक्स्ट ज्यादा है, तो आपको करना क्या है, उसको रीड करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको शॉर्ट कर देना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हटा देना है अपने क्लाइंट से बातचीत करके, ठीक है। तो हम यहाँ क्या क्या यूज करेंगे, एक लोगो, यहाँ पे कुछ आइकन, बार कोड और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, ये चीजें भी आप ही को ही सेट करना पड़ेगा, आपका क्लाइंट सिर्फ नोट पैड वगैरह में दे देगा, ठीक है जी। तो मैं ये कर रहा हूँ जी, यहाँ से नेम ये जो लेंगे क्रंची, इसको ले लेते हैं कॉपी करके, और मैं यहाँ पे पेस्ट इसको कर देता हूँ, ठीक है जी। पेस्ट हमने इसको कर दिया और कंट्रोल टी मैं प्रेस कर रहा हूँ, बहुत छोटा है आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं बड़ा सा कर देता हूँ। तो अब मैं इस पे फॉन्ट अप्लाई करूँगा, तो कोई फॉन्ट हम ले लेते हैं, चलिए एक मज़ेदार सा फॉन्ट था, गोल्डी नाम से था आई थिंक, हाँ गोल्डी बस्ट, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मजेदार सा फॉन्ट है, कुछ इस तरह का, तो ये वाला हम यूज करेंगे। कलर मैं इस पे इस तरह का हम कलर यूज करेंगे, कुछ इस तरह का, ठीक है जी, इस तरह का एक ब्राउन कलर। कंट्रोल टी मैं करूंगा और रोटेट करेंगे इसको इस तरह से, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी करूंगा ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ, एंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा मजेदार इसको बनाएंगे। टी प्रेस कर रहा हूँ टाइप टूल के लिए, और इतना मैं हटा दूंगा, या एक काम करते हैं इसको, पहले तो इसका फिल को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और डबल क्लिक करेंगे इसकी लेयर स्टाइल में हम जाएंगे, ये आ गया जी लेयर स्टाइल। बेसिक नहीं देखा है तो फोटोशॉप के बेसिक ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी तरह का कोई ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजिंग हो रही हो या टूल चलाने में आपको कन्फ्यूजिंग हो रही हो तो ज़रूर देखा कीजिए बेसिक को। मैं यहाँ पे पहले तो कलर ओवर ले रहा हूँ, और वही वाला जो कलर हमने यहाँ पे लिया था वही वाला, वैसे ही कुछ कलर ले लेंगे, कुछ इस तरह का, ये वाला आई थिंक थोड़ा सा और ब्राउन, ये वाला, ठीक है जी। ऑलराइट, फिर उसके बाद जी स्ट्रोक मैं ले लूंगा, स्ट्रोक को वाइट ही हम रखेंगे। साइज आप देख लीजिए 24 या अपने मुताबिक आप कर सकते हो, और सेंटर में मैंने पोजीशन को रखा हुआ है। और एक काम और करेंगे, मैं शेडो भी अप्लाई करूंगा, ये देखिए शेडो, शेडो भी आ गया, थोड़ा सा इसको मजेदार सा बनाएंगे। ओके मैं कर रहा हूँ, इतना काफी है। एक काम करेंगे कि जी मैं इसकी यहां तक मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाने के लिए हम ये करेंगे कि जी पहले तो इसकी डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ ऐसे, थोड़ा सा ओवरलैप करके इसको लगाएंगे हम, और इसको कर देंगे जी आर आर, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से। एक और डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके इसको हल्का सा ऊपर करेंगे, नीचे कर दिया मैंने, इसको कर देंगे यू, ये हो गया जी।
अब देखिए है ना मजेदार सा, तब सिंपल सा लग रहा था, अब थोड़ा सा मजेदार सा ही लग रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अलग ही ग्रुप में रखेंगे तो इसको मूव करना आसान रहेगा। ठीक है, तो लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी टेक्स्ट लेयर थे, कंट्रोल जी करूंगा और इसको कुछ भी नेम दे देते हैं, टेक्स्ट नेम दे रहा हूँ ताकि हम इसको मूव कर पाए एक साथ। ठीक है जी, जहां मर्जी। अब मैं मूव करा के यहाँ कहीं लगा रहा हूँ, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक इमेज भी हम यूज करेंगे, तो इमेज को भी मैं लेके आ रहा हूँ। फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जी हम जाएंगे प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पे एक बिस्किट का इमेज है जो कि मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करके रखा हुआ है, तो इसको हम यूज में लेंगे। थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं ऐसे करके और यूं। ठीक है जी, बहुत ज्यादा बड़ा है तो और छोटा कर लेते हैं ऐसे, आई थिंक इतना ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ बिस्किट को तो हम ऊपर रखेंगे। एक काम करते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं इसको भी, और इसको बिस्किट कर देते हैं। ठीक है जी, इसको बिस्किट का हमने कर दिया, और एक यहाँ पे रखेंगे। पहले एक काम करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और इस पे हम ड्रॉप शेडो भी एक अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया जी, हाँ थोड़ा सा ड्रॉप शेडो कम करना है तो कर लीजिए इसको, ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, तो बहुत ज़्यादा कम नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड को कम कर दिया है। और इसी का एक डुप्लीकेट और कर देंगे। सो अब मैं ये करूँगा कि थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसको यहाँ रखें या फिर यहाँ कहीं रख देते हैं यू करके। ठीक है जी, एक यहाँ कहीं रख देते हैं यू। इसको मैं अलग एक और ग्रुप में रखूँगा कंट्रोल जी से और यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको कर देते हैं जी बिस्किट टू। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं, कुछ बिस्किट को नीचे की तरफ भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा बाद में, आप देखना कि कितना मज़ेदार ये बनता है। और इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ, और एक को यहाँ कहीं कॉपी करके रख देंगे यूं, और एक मैं चाहता हूँ कि नीचे भी दिखाई दे, तो एक मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट, सो ये हो गया। और ये वाला आई थिंक ये वाला तो नीचे ही रह गया, इसको ऊपर वाले लेयर पे लेके आते हैं। अब देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो हमने अलग एक और बिस्किट का ग्रुप बनाया था, इसको मैं टेक्स्ट के नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये देखिए कुछ मज़ेदार सा लग रहा है। ठीक है, साथ में ये भी है, इसको भी मैं बिस्किट टू वाले लेयर के अंदर लेके जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से मज़ेदार है ना। तो थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल नीचे से भी दिखाई देता है, बहुत मज़ेदार सा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए एक और ग्रुप क्रिएट करेंगे, और इसका नेम रख देते हैं क्या रहा है, शेप रख देते हैं। ठीक है, कुछ शेप लगा देते हैं नीचे से, तो यहाँ से मैं एलिप्स टूल दे रहा हूँ और एक शेप को मैंने ड्रॉ की। ठीक है जी, यहाँ पे फिल में है तो मैं फिल को हटा दूंगा, फिल नहीं रखूंगा मैं, स्ट्रोक में रखूंगा, और स्ट्रोक का जो कलर है इस तरह का एक पिंक मैं ले रहा हूँ, और इसके स्ट्रोक की मोटाई मैं लगभग 230 के आसपास पिक्सल में कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 180 के आसपास, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा 180। ठीक है जी, अब इसको मैं उठाकर यहाँ कहीं लगा रहा हूँ एक को, और एक मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा ऐसे करके, और एक ही लगा देंगे यहाँ पे यू,
थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, लगभग इस तरह से, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर ऐसे, ठीक है जी। और एक को मैं लगा दूंगा जी यहां पे, ठीक है जी। अब इस बिस्किट को मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके आऊंगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमारा एक मेन डिजाइन क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमें जो टैक्स वगैरह लगाना है, लोगो लगाना है, आइकन लगाने हैं, कुछ चीजों को हमें ऐड करना है, वो चीजें हम इलुस्ट्रेटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये करेंगे जी, मैं इसको सिर्फ सेव कर लूंगा, क्योंकि जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया है ये उसी में जाके सेव हो जाएगा। सिंपल फाइल में जाकर इसको सेव कर दीजिए और ये हो गया जी सेव, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इलुस्ट्रेटर में, और इलुस्ट्रेटर में मैं आ गया जी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, और सबसे पहले एक मैं और लेयर क्रिएट कर रहा हूं और इसका नेम देंगे डिजाइन, ठीक है जी। लेआउट वाले को मैं लॉक कर रहा हूं, और फाइल में जाएंगे और प्लेस में चले जाएंगे, और उसी फाइल को जो हमने सेव किया था उसी को ही प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। अब याद रखिए कि ये जो हमारा ब्लीड चल रहा है, ब्लीड से स्टार्ट करना है आपने ऐसे, इसको ड्रैग करते हुए ब्लीड तक ही लेके आना। देखिए ब्लीड तक आ गया ये, और छोड़ दीजिए इसको, कभी भी स्ट्रेच करने की कोशिश मत करना, ठीक है जी। हालांकि स्ट्रेच करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी लेआउट को हमने लेके गए थे फोटोशॉप में, और उसी लेआउट में डिजाइन करके वापस लेके आए। अब देखिए यहाँ पे आपको एम्बेड के लिए ये क्रॉस लाइन दिखा रहे होंगे, इसको एम्बेड मत करना अभी, देख लो। आपको अगर ठीक ठाक लगता हो, कुछ चेंजिंग करनी हो तो आप फोटोशॉप में वो चेंज करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि जी पहले तो मैं इस फाइल को बंद कर दी, एक्स्ट्रा खुल गया, और इन सब को मैं उठा रहा हूँ और कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और उठाकर मैं साइड में रख रहा हूँ, राइट। अब सबसे पहले जी लोगो, लोगो को उठाएंगे, यहाँ कहीं ऊपर लगा देंगे। मैं चाहता हूँ जी लोगो को मैं थोड़ा सा नीचे लगाऊं, ये जो बिस्किट है इसको थोड़ा सा साइड में करना है मुझे। तो उसके लिए वापस हम फोटोशॉप में जा सकते हैं, और मैं एक काम ये करूँगा कि ये वाला जो बिस्किट है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ये वाला जो बिस्किट है इसको इस तरफ कर लेते हैं ऐसे कर, ठीक है। पर याद रखिए जो भी आप चेंज करोगे सेव जरूर कर देना, ठीक है। ये हो गया सेव, और जैसी यहाँ पे आते हैं ये पूछता है, यस कर दीजिए और चेंज हो गया, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा ऐसे करके, और यहाँ पे कहीं लगा देंगे इसको, राइट। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, यहाँ पे जी हमारा क्रंची है, इसको तो हमने यूज कर लिया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। बाकी ये जो है दो लाइन, इनको भी हम यूज करेंगे। तो सेलेक्ट करके पहले तो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और इस वाले को यहाँ पर उठा कर रखेंगे। कलर मैं कर रहा हूँ जी वाइट, और फॉन्ट मैं ले रहा हूँ रोबोटो ही लेऊंगा, और लेकिन मैं इसमें बोल्ड इटैलिक कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा रोटेट मैं कर दूंगा इस तरह से, और ऐसे कहीं लगा देंगे यूं करके, ठीक है जी। अब ये बिस्किट को मैं थोड़ा सा मूव करूंगा उधर, ताकि ये पढ़ने में आए, थोड़ा डिस्टर्ब ना करे पढ़ने में, ठीक है। वापस मैं जा रहा हूँ और फोटोशॉप में, और यहाँ पे सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कराता हुआ इस तरफ लेके आया, और कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। वापस मैं आ रहा हूँ, पूछेगा यस कर दीजिए और चेंज हो गया, राइट। अब आ जाते हैं जी ये वाला लाइन, इंक्लूड इन एवरी वाइट, इसको मैं पहले तो वाइट मैं कर दूंगा कलर को, और फॉन्ट को भी मैं चेंज कर दूंगा। फॉन्ट कौन सा लें, ओके ये वाला ले लेते हैं, सेगियो प्रिंट
बोल्ड वाला ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको ले लिया मैंने और इसको भी थोड़ा सा रोटेट करा के यहां पे लगा देंगे। ठीक है जी, इतना हो गया। अब ये हमारा है जी 50 ग्राम, इसको उठाएंगे और यहां लगा देंगे। और याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमारा इनर मार्जिन है इसके अंदर ही लगाना होता है। ठीक है जी, बाकी ये जो चीजें आपको दिख रही है बाहर की, ये आपका ग्लू मार्जिन है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी वाइट, और फॉन्ट दूसरा हम रोबोटो ही यूज कर रहे हैं। याद रखिए, दो या तीन फॉन्ट से ज्यादा मत यूज करना। मैं इसमें तीन फॉन्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव और मजेदार सा बनाएंगे हम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं और बोल्ड करना चाहता हूँ, ब्लैक में कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने लगा दिया इसको। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं ये करूंगा जी, मैं इन सब को उठाऊंगा और एक काम करते हैं, ये अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि रोबोटो में ही है और कलर को मैं वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो वाइट ही अप्लाई करूंगा। ठीक है, ओके। अब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको लगा देंगे, यहाँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट। सो यहाँ पे इसको उठाकर आइकन को मैं यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कहीं पे भी लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए ऊपर के साइड में लगाइए, जरूरी नहीं है ऊपर, आप नीचे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इनको भी सेलेक्ट करके मैं वाइट कर देता हूँ और डबल क्लिक करके इसके ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको वाइट करना है। और ये हो गया जी वाइट, राइट। तो यहाँ पे मैं इन सबको कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको मैं उठाकर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसको सही जगह पर रखेंगे। तो देखिए परफेक्ट है हमारा जो लेआउट, इसीलिए हम इतनी जल्दी से इतनी आसानी के साथ काम कर रहे हैं। आपका अगर लेआउट सही नहीं रहेगा तो आपको काम करने में परेशानी आएगी। ठीक है, जब भी आप डिजाइन, मेन जो आपका डिजाइन है, जो फोटोशॉप में आपने काम करना है, फोटोशॉप में करके जब आप इलस्ट्रेटर में वापस आते हो, तो याद रखना काम कंप्लीट करने के बाद सेव कर देना और फिर उसके बाद फाइनल आउटपुट अप्लाई करना। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनके बता दूं कि फाइनल आउटपुट वो काम होते हैं जो प्रिंटिंग से पहले हम छोटे छोटे काम किया करते हैं, तो उन काम को हम कहते हैं फाइनल आउटपुट। तो ये देखिए एक मजेदार सा हमने एक डिजाइन बनाया है और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का यूज करते हुए। अब एक चीज और कि अगर गलती से अगर आप यहाँ पे एम्बेड इसको कर देते हो, कोई बात नहीं, आप वापस से इसको कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। पिछली वीडियो थी हमारी पिकल जार के ऊपर, पिकल जार का हमने लेबल डिजाइन किया था, उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम किस तरह से वापस लिंक कर सकते हैं अगर एम्बेड आपने गलती से इसको कर दिया है। पर याद रखिए इसको एम्बेड करना जरूरी होता है। अब जैसे मैं एम्बेड करता हूं तो ये कुछ पूछता है, तो यहाँ पे कन्वर्ट लेयर टू ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे ही रखना है। ठीक है, इनको सेलेक्ट नहीं करना है, ओके कर दीजिए और कुछ इस तरह से अब इसके ऊपर आप फाइनल आउटपुट अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लेकर एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।